सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली व उसके पुत्रों के खिलाफ दर्ज डकैती, बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना मिर्जापुर पुलिस ने कुछ सामान बरामद किया है। हरियाणा के जगाधरी निवासी बलराज सेठी ने 10 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक बलराज से ग्लोकल यूनिवर्सिटी में काम कराया गया जिसका पैसा नहीं दिया गया है। पैसों का तकादा करने पर उसे धमकी दी गई। आरोपियों ने उसे बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही उसका माल भी हड़प लिया एवं मारपीट की। पीड़ित ने पूर्व एमएलसी व खनन माफिया हाजी इकबाल, उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली इकबाल के पुत्र वाजिद जावेद आलिशान अफजाल सहित एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में बृहस्पतिवार को थाना मिर्जापुर पुलिस ने कुछ निर्माण सामग्री का सामान ग्लोकल यूनिवर्सिटी से बरामद किया है जो बलराज ठेकेदार का है। एसपी देहात सूरज राय ने बताया कि इस मामले में सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बलराज का दावा है कि उसने करीब 4.5 करोड़ रुपए का कार्य ग्लोकल यूनिवर्सिटी में किया था। दुष्कर्म सहित कई मामलों में फरार चल रहे हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम घोषित है। अब उस पर जल्द 1 लाख रुपए इनाम घोषित होगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जल्द हाजी इकबाल पर 1 लाख का इनाम घोषित होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू करने के साथ शासन को अवगत करा दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।